नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम इंडियन फिल्मों के बारे में बात करें, यानी कि बॉलीवुड की फिल्मों के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की और साथ खास करके साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 1992 में रिलीज हुई फिल्म खुदा गवाह के बारे में। मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डंगप्पा, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, किरण कुमार, विक्रम गोखले इत्यादि। फिल्म को प्रोड्यूस किया था नसीर अहमद और मनोज देसाई ने और इसके निर्देशक थे मुकुल साहा। फिल्म की कुल लंबाई 193 मिनट की थी। फिल्म में कुल 7 गाने थे और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मी का गाने। वैसे इस फिल्म की खासियत ये थी कि ये फिल्म हिंदुस्तान के अलावा नेपाल और अफगानिस्तान में शूट की गई थी। इस फिल्म को IMDb में 6.5 का रेटिंग मिला हुआ है और इस फिल्म ने उस समय 7.08 की कमाई की थी, करोड़ रुपए की, जो आज के दौर में देखा जाए तो 100 करोड़ क्लब में भी शामिल हो जाती है। तो ये एक अच्छी मूवी थी, देखने लायक थी। और सबसे अहम बात यह कि इस गेटअप में हमने अमिताभ बच्चन को शायद पहली बार देखा था और हम उससे बात करते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के समय या इसके स्टार कास्ट के समय तो शुरू में ऐसा किया गया था कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को साइन किया गया था और उसके बाद सेकेंड लीड की तलाश थी तो जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया गया, लेकिन जैकी श्रॉफ के पास समय का अभाव था क्योंकि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट में बिजी थे। तो इसके लिए फिर संजय दत्त को ऑफर किया गया और संजय दत्त ने इस फिल्म के लिए हामी भर दी और करीब 80 दिन की शूटिंग करने के बाद कुछ ऐसा हुआ उनके निर्देशक और संजय दत्त के बीच में कि संजय दत्त इस फिल्म से अलग हो गए और अब एक ऐसे सेकेंड लीड एक्टर की जरूरत थी जो इस फिल्म को आगे बढ़ा सके, जो थोड़ा सा फेमस भी हो। तो श्रीदेवी ने कहा कि नागार्जुन इसके लिए सूटेबल रहेंगे और नागार्जुन उस वक्त राम गोपाल वर्मा की सिवा से एक जाना पहचाना नाम हो गए थे, जैसे हिंदी फिल्म के दर्शक भी जानने लग गए थे। तो नागार्जुन ने इस फिल्म के लिए हाँ बोल दिया और फिर संजय की जगह नागार्जुन की एंट्री हुई। हीरोइंस की बात करें तो श्रीदेवी के अलावा शिल्पा शिरोडकर इस फिल्म में थी। शिल्पा शिरोडकर के पहले इस रोल के लिए फिल्म ऑफर किया गया था फराह को, लेकिन फराह अवेलेबल नहीं थी इस फिल्म को करने के लिए, शायद उनको कुछ पर्सनल कोई प्रॉब्लम रहा होगा। खुदा गवाह की शूटिंग के वक्त अफगानिस्तान में अमिताभ के एक फैन ने अमिताभ बच्चन को एक घोड़ा गिफ्ट किया और जब तक अमिताभ बच्चन रहे वो घोड़ा उनके साथ ही था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन इंडिया आने लगे तो उस घोड़े को वहाँ से नहीं ला पाए। अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नाजीबुल्लाह ने पूरे यूनिट को शूटिंग के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए थे और उनकी पूरी जिम्मेवारी भी थी। और सबसे अच्छी बात यह कि उनके जो राष्ट्रपति थे नाजीबुल्लाह वो भी अमिताभ के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वुलन कॉस्ट्यूम होने की वजह से माहौल काफी, मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी गर्म हुआ करता था। ऐसे में वहाँ पर करीब 20 एयर कंडीशन सेट पर हमेशा रहते थे, उनके इंतजाम किए गए थे। खुदा गवाह को 9 फिल्म फेयर में नॉमिनेट किया गया था और 3 कैटेगरी में अवार्ड मिला। सबसे पहले बेस्ट सपोर्टिंग के लिए डैनी साहब को मिला, बेस्ट डायरेक्टर के लिए मुकुल एहसान को मिला और बेस्ट साउंड इफेक्ट के लिए मिला भगत सिंह राठौर और कुलदीप सूद को। मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि फिल्म को अफगानिस्तान, नेपाल और भारत में फेस्टिवल शूट किया गया था। तो ये सब कुछ बातें थी
फिल्म खुदागांव के बारे में अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ 100 दिनों सुपरस्टार्स के बारे में। देखना ना भूलिए, ये बहुत ही रोचक होगा और काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि आप हमें कुछ कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपना ख्याल रखिएगा, बी केयर बी सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।